Good morning to all the students. Today is our topic for freehand sketching. Okay, before starting the topic, I want to share you in previous lecture, some students is asked about what they can do for drawing sheet which is provided from the institute. Okay, so I discussed with the sir and sir told me the drawing sheet is used to draw the sheet. You have total 6 sheets in your syllabus. Okay, so these 6 sheets you have to draw on the given sheet, and drawing book is used for your 8 assignment. Okay, so 8 assignment is different and your 6 sheet is different. Okay, so sheet number 2 I already share in the group, and sheet number 5 is based on the freehand sketches, and other sheet is based on drawing. Okay, so freehand sketches is your where we can use our freehand techniques to draw the in components drawing. Okay, आपको जो भी ड्राइंग बुक है उसमें 4 असाइनमेंट ऑलरेडी दे चुका हूँ, बाकी के 4 असाइनमेंट देने बाकी है, और आपके ड्राइंग शीट के लिए आपको टोटल कितनी ड्राइंग शीट मिली है इंस्टीट्यूट से? 7. ओके, 7. तो आउट ऑफ 7 6, हाँ, तो आउट ऑफ 7 आपको 6 ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है, ठीक है ना? तो जैसे मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया हुआ है शीट नंबर 1, तो शीट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो वो दोनों क्वेश्चन एक ही शीट में ड्रॉ करना है, ठीक है ना? शीट नंबर 2, तो शीट नंबर 2 में भी आपको 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना? प्रॉब्लम डायग्राम और सोल्यूशन डायग्राम बोथ आर देयर, ठीक है ना? जस्ट आपको उसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम डायग्राम में कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम डायग्राम भी ड्रॉ करना है या नहीं. इफ यू वांट टू ड्रॉ प्रॉब्लम डायग्राम देन यू कैन ड्रॉ, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज नो इश्यू फॉर रिगार्डिंग दैट. इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ दी प्रॉब्लम डायग्राम देन यू कैन टेक अ प्रिंट आउट एंड पेस्ट द प्रॉब्लम डायग्राम ऑन योर शीट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको शेयर किया हुआ है कि कैसे आप प्रॉब्लम डायग्राम शीट पे पेस्ट कर सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं. बोथ ऑप्शन है, ठीक है? इफ यू वांट टू ड्रॉ प्रॉब्लम डायग्राम देन इट इज वेल एंड गुड, ठीक है ना? लेकिन अगर कह रहे थे कि आप नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि बोथ, अगर आप प्रॉब्लम डायग्राम और सोल्यूशन डायग्राम बोथ ड्रॉ करते हैं देन इट टेक वी सम मोर टाइम, बट you can improve your skill. Okay, if you don't want to draw the problem diagram then you can take the print out of the problem diagram and paste your problem diagram on your sheet, which example I already share in the group.
ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो क्लियर है, किसी को कोई डाउट है कि प्रॉब्लम डायग्राम ड्रॉ करना है नहीं ड्रॉ करना है? इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ठीक है ना सर, कि एक प्रॉब्लम शीट पे दो को ड्रॉ एक, करना, दो हाँ डायग्राम बोलिए। ड्रॉ करना है क्या? हाँ मैंने शीट लिया थी, तो एक शीट कितने प्रॉब्लम है, आई विल शो यू, जस्ट वेट। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ओके ये देखिए मैंने एग्जांपल इधर शो किया है, ये आपका प्रॉब्लम डायग्राम है, प्रॉब्लम डायग्राम यहाँ पे ऐसे टेस्ट किया गया है और ये सोल्यूशन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग्स क्या है सर, कि मैंने आपको शेयर किया, सर हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, प्रॉब्लम को निकाली है। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये देखिए आपका ये मैंने एक शेयर किया है ना कि अगर ये प्रॉब्लम डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहते हैं इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना, अगर ड्रॉ करना चाहते नहीं हैं की तो वेल चलेगा। एंड गुड, आपका प्रैक्टिस, हाँ नहीं किया तो आपको ऐसा प्रिंट आउट निकाल के ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखिए ड्रॉ यहाँ पे नहीं किया पेस्ट है ना, तो और ये आपका ड्रॉ नहीं किया तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा प्रिंट आउट निकाल कर, तो प्रॉब्लम अगर ड्रॉ किया तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, स्पेस आपका थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो आप क्या कहते हैं कि ये स्पेस कम करने के लिए आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और ये पेस्ट कर लीजिए, दैट इज ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको, हाँ सब क्वेश्चंस की बेटा आपकी आवाज कट रही है, हाँ शीट पे कितने डायग्राम ड्रॉ करने हैं? एक शीट में जितना है ना बेटा वो एक ही शीट में ड्रॉ करना है, और आपको शो करता हूँ, दिस इज योर शीट नंबर वन, आई शो यू। तो शीट नंबर पे क्या कहते हैं कि ये सर, योर दी वॉइस इज ब्रेकिंग। क्वेश्चन ओनली, ठीक सर, है। आपका आवाज अभी आ रही है आवाज, सर, आपका हेलो आवाज ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हेलो, मेरी प्रॉपर, हेलो नो सर, यस सर। हाँ सर, आ रही है अब। स्टूडेंट, देखिए आपको क्या कहते हैं कि जैसे फाइव लिखा है प्रॉब्लम नंबर फाइव में आपको जस्ट यहाँ सो सुरियल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग फॉलो व्यू लुकिंग इन दी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आपका है उसे आप क्या कहते हैं कि के पेस्ट कर सके, और ये सॉल्यूशन डायग्राम है ये आपको करना है प्रॉपर स्केलिंग। अभी कोई डाउट है किसी को, और ये शीट नंबर वन है दिस इज, और शीट नंबर वन में आपको टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम आपको एक ही शीट पे ड्रॉ करनी है, टोटल कितने हैं सर? पे ड्रॉ करना है, इसीलिए टोटल आपके सिक्स, ठीक है, फोर मैंने शेयर किया है, टू अभी
वो आपका क्या कहते हैं किसके लिए है, थीसिस के लिए है, और आपका जो 6 नंबर की विच इज बेस्ड ऑन योर ऑटो कैड ड्राइंग, ठीक है, स्केच में शुरू करने वाला, जैसे ही फिनिश होगा आपको फ्री हैंड का शीट पे ड्रॉ करनी, शीट नंबर 5, ठीक है, ऑटो कैड पे जो ड्राइंग में वो आपको प्रिंट आउट निकालना है और जस्ट पेस्ट कर, नहीं भी करेंगे तो आपकी शीट है, आप जस्ट A4 के एनी क्या अदर क्लास डाउट ब्रेक? स्टूडेंट्स? आज का क्या प्रॉब्लम, आवाज की प्रॉपर नहीं जा रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, बीच में ब्रेक हो रही है सर। जस्ट वेट फॉर दिस, लेट मी फोन।
हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एबल टू हियर माय वॉइस? यस सर। यस ओके, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको कोई डाउट है? एक शीट में दो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए प्रॉब्लम्स 1 एंड 2, ठीक है? ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम नंबर्स लिखा है, प्रॉब्लम नंबर 5, फिगर ना, प्रॉब्लम नंबर 5, ये आपको नहीं लिखने का है, हेलो ठीक है? सर। ये आपको नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। सर एक शीट पे टू डायग्राम ड्रॉ करना है कि एक ही? एक शीट पे टू डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए, आपको शीट नंबर 1 लिखा है ना, तो शीट नंबर 1 पे जितने भी डायग्राम रहेंगे आपको एक ही शीट पे ड्रॉ करना है। सर पर कुछ डायग्राम बड़ी है ना। नहीं, तो आप देखिए, अभी आपको मैंने शो किया ना, ये आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, आप देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको, ये हाफ शीट ड्रॉन है, हाफ शीट पे ड्रॉन है, ये देखिए ना, किधर से डायमेंशन देखिए, 7 mm, 10 mm, 7 mm, 11 mm, 6 mm, 38 mm, 38 mm का मतलब कितना हुआ? नियर 4 सेंटीमीटर। और आप को ओके जो सर। शीट नंबर 1 है, इसमें देखिए कितना है, 30 mm का मतलब कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर ओनली, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। पॉइंट। हाँ, तो इजी है ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ही स्मॉल में जाएगा ना, इजिली आप एक शीट में दो ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे, देयर इज नो इशू, ओके सर। कोई भी प्रॉब्लम। हाँ ठीक है ना, तो अभी किसी को कोई डाउट है शीट ड्रॉ करने में, हाउ टू ड्रॉ द शीट? हाँ स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? आपको कोई भी डाउट है देनी हो कहना। सर हाँ बोलिए बेटा। सर, आपने हेलो, जो फोर्थ नंबर की शीट ग्रुप पर सेंड की है ना, उसमें 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है। शीट नंबर 4, शीट नंबर 4, ओनली क्वेश्चन सर। ओके आई विल शो, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नहीं विजिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन रहेगा बेटा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना, शो दी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रॉपर शो कर रहे हैं ना कि आपका ये जो यस सर। प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स शो दी फ्रंट व्यू ऑन टॉप व्यू, देखिए ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, सेम ये पे भी है आपका फ्रंट व्यू, इसमें आपका साइड व्यू है, टॉप जगह सर, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, शो फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ड्रॉ इट आइसोमेट्रिक डायग्राम, लेकिन 3 और 4th में आपको ऑलरेडी बताता जाऊंगा, जो आपका शीट नंबर 3 है एंड शीट नंबर 4 है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, शीट नंबर 4, ड्रॉ इन आइसो स्केल, मतलब आइसोमेट्रिक स्केल में ड्रॉ करना है, और आइसोमेट्रिक स्केल में ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होता है, कि जो आपकी टू लेंथ है, जैसे 20 है, तो 20 को 0.8531 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डायमेंशन आएगी वो हम मेजर करेंगे, जैसे आपको शो करता हूँ आइसो स्केल का मीनिंग क्या है, इसलिए स्पेसिफाई है, ठीक है ना, वो भी क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे हमारे कैलकुलेटर है, तो हम क्या करेंगे, ये 20 मिलीमीटर दिया है, तो इसको हमको तो स्केल कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें 0.8531 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आया, 17.062, ठीक है ना, तो हम इसको 17 ले लेंगे, इसको 17 ले लेंगे, तो 20 जो होगा वो 17 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और जो शीट नंबर 4 3 है आपका, शीट नंबर 3, ये आपका शीट नंबर 3, इसको आपको क्या कहते हैं,
कि नॉर्मल स्केल में, मतलब अगर 20 गिवन है तो हमको 20 ही लेना है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नंबर 3 में ये डिफरेंस है, सीट नंबर आपको नॉर्मल स्केल पे ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक में ही ड्रॉ करना है, लेकिन क्या कहते हैं नॉर्मल स्केल और आइसो स्केल। नॉर्मल स्केल मतलब 20 का मतलब 20 ही आप शो करेंगे, और आइसो स्केल का मतलब है कि आपका जो 20 है उसको हम 0.8531 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सो नाउ आई विल स्टार्ट टुडे शेड विच इज बेस्ड ऑन दी फ्री हैंड स्केचिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स फ्री हैंड स्केचिंग व्हाई वी गो फॉर दी फ्री हैंड स्केचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट द ड्राइंग इज taking much more time in comparison to freehand sketching, ठीक है, कि आपका जो drawing है अगर हम free hand draw करते हैं और with the help of instrument, drawing instrument draw करते हैं, then time का काफ़ी difference आ जाता है, और free hand sketches से हम बहुत ही fast way, convenient way में size and shape को represent कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका क्या कहते हैं कि शेप कैसा होगा और उसका नियर अबाउट साइज कैसा होगा, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इजी वे में। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट? सो आफ्टर फिनिशिंग दिस यूनिट आवर चैप्टर देन विल एबल टू क्रिएट फ्री हैंड स्केच यूजिंग द करेक्ट स्केचिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। फ्री हैंड हम स्केच ड्रॉ करते हैं लेकिन उसकी भी प्रॉपर टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे फ्री हैंड स्केच को ड्रॉ करने में। एबल टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एनोमेट्रिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ओके, एबल टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक स्केच, isometric projection and isometric sketch, okay, create an isometric and oblique sketches from an actual object and given multi-view drawing, ठीक है ना। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है कि जब आप ये चैप्टर फिनिश होगा देन यू कैन एबल टू ऑब्टेन दीज ऑब्जेक्टिव। Okay, so what are the topic here? So, freehand sketch, pictorial projection, anisometric and oblique, isometric sketch and oblique sketch. These are the four topics, and between the pictorial projection, there is two topics. So, in total count, there is total five topics which we are going to cover in this unit. ओके, ठीक है। तो ये देखिए आपका फ्री हैंड स्केचेज है, फ्री हैंड स्केचेज आपका ऐसा तभी आएगा देन यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, कर्व करने की प्रैक्टिस, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द सर्कल फ्रॉम फ्री हैंड, ठीक है ना। कंपास के हेल्प से तो हम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन फ्री हैंड की हेल्प से हम कैसे, उसके लिए हमको प्रैक्टिस नीडेड है। अगर हमको प्रैक्टिस हो जाएगी देन देयर इज वेरी इजी टू ड्रॉ दी फ्री हैंड स्केचेस एंड वेरी फ्रिक्वेंटली यू कैन ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस टू एक्सप्लेन योर ड्राइंग स्ट्रेटेजी और ड्राइंग ऑब्जेक्टिव। सो हियर द बेसिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इनक्लाइन, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, लाइन से स्टार्ट करेंगे। लाइन में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन, ठीक है। तो सी ए वर्टिकल लाइन,
ओरिजेंटल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन, वर्टिकल ओरिजेंटल एंड इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आर्क एंड सर्कल, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको शो करता हूँ, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, दिस इज वर्टिकल लाइन, ओके, एंड दिस इज इंक्लाइंड लाइन, दिस इज आल्सो वर्टिकल लाइन, ओके। सो ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, दिस एंड दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज इंक्लाइंड लाइन, ओके। नाउ दिस इज आर्क, दिस इज ऑल्सो कंसिडर इन द आर्क एंड दिस इज सर्कल, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल एंड आर्क, आर्क एंड सर्कल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। सो दिस प्रोफाइल विच इज रिप्रेजेंटेड हियर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन एंड आर्क एंड सर्कल। सो व्हाट इज योर वर्क फ्रॉम दिस प्रोफाइल, यू हैव टू आइडेंटिफाई दी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, आर्क एंड सर्कल, ठीक है ना। तो मैं जैसे लिखता हूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हियर इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हियर आई इंक्लाइंड लाइन, ओके, एंड दिस इज वी वर्टिकल लाइन, ओके। सो हियर दिस इज ए, व्हाट इज रिप्रेजेंट आर्क, दिस इज ए, व्हाट इट्स रिप्रेजेंट आर्क, ओके, एंड दिस इज सी, सी रिप्रेजेंटेड द सर्कल, ओके। तो ये बेसिक ज्योमेट्री है, कोई भी ज्योमेट्री हम अगर बेसिक ज्योमेट्री या कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री भी ड्रॉ करते हैं, देन वी नीड दीज बेसिक लाइंस आर ज्योमेट्रिकल शेप, आर्क, सर्कल, ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन है, इनलाइन लाइन, फॉर द बेसिक ज्योमेट्री वी कैन इजिली प्रैक्टिस फॉर दैट। सो नेक्स्ट थिंग इज स्केचिंग लाइन, ठीक है ना। तो अभी जैसे बेसिक में हो गया ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइन लाइन, लेकिन जब स्केचिंग लाइन में हम जाते हैं तो क्या होता है, डॉटेड लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, चेन लाइन, सेंटर लाइन, ओके, सेक्शन लाइन, दीज आर दी स्केचिंग लाइन। डिफरेंट लाइन में हम प्रेजेंट करते हैं इन अवर स्केच। सी होल्ड द पेंसिल नेचुरली, ठीक है, आपको कैसे पेंसिल होल्ड करना है, ये देखिए पेंसिल होल्ड करने का मेथड है, ठीक है। जनरली हम पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, कि पेंसिल होल्ड करते हैं तो पेंसिल आपकी जो रहती है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। आपको ऐसे होल्ड नहीं करना है, ठीक है ना, आपको पेंसिल इस तरीके से होल्ड करना है, जब आप पेंसिल को पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें तो क्या हो, पेंसिल आपकी रोटेट हो, पेंसिल आपकी रोटेट हो, क्यों, क्योंकि जब भी आप पेंसिल का लीड देखते हैं तो ये ऐसी लीड है, तो जब आप ड्रॉ करते समय पेंसिल को रोटेट करेंगे तो आपको पेंसिल की निडल है वो क्या है, इवेनली वियर होगी, ठीक है ना। तो आपको एक इवेन में
लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब आप पेंसिल को फिक्स करेंगे, वो रोल नहीं होगी आपके हाथ में, तो मीनिंग क्या होगा कि आपका क्या कहते हैं कि पेंसिल वन साइड से बियर होगी, पेंसिल की लीड वन साइड से बियर होगी, और जब आप उसको दोबारा यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो एक सेम थिकनेस की लाइन आपको ड्रॉ नहीं होगी। इसलिए पेंसिल को ऐसे करना है कि आप पेंसिल के ऊपर प्रेशर भी रहे, लेकिन जैसे पेंसिल फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, पेंसिल रोटेट इन योर हैंड। ओके, सीवियर स्पॉट द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट। तो बिगनिंग और एंड पॉइंट को आपको स्पॉट करना है एंड देन ड्रॉ, ठीक है। बिगनिंग और एंड पॉइंट को ये आपने स्पॉट कर लिया। सोविंग द पेंसिल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पॉइंट वेयरली टचिंग द पेपर अंटिल द डायरेक्शन इज क्लियरली स्टेबल, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ से किया एंड देन बहुत ही स्मूथली इसको ड्रॉ किया। दिस इज द ओरिजेंटल, दिस इज फॉर द वर्टिकल। ओके, कीप आईज ऑन एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ पे देखिए थिन लाइन है, ठीक। कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, एंड और स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। We have create a limit in our mind, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी क्योंकि क्या होता है कि हम इसके यूज नहीं कर रहे हैं, देन दिस इज फ्री हैंड, देन क्या होता है वी फर्स्ट क्रिएट द लिमिट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एच एंड ई। Then we have to keep in our mind this is the limit of your line. So आपने start तो हमको मिल जाते हैं क्योंकि हम वहां से ही line draw करना start करते हैं, लेकिन end क्या होता है कि end beyond the limit हो जाता है। तो इसका बहुत ही आपको ध्यान में रखने का है कि जो end start is properly started, you have finished the end at where you want, ठीक है ना। कि जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते समय क्या होता है कि अगर हम एक साथ स्ट्रेट लाइन यानी विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द मोशन, जब भी लाइन को विदाउट आप मोशन ब्रेक कर किए बिना ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ही प्रॉपर वे में ड्रॉ होती है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम एंड को आगे जाते हैं, एंड को भूल जाते हैं कि हमको कहाँ पे रुकना है, क्योंकि जब हम फ्लो में ड्रॉ करते हैं देन वी मिस द एंड। तो उस पे आपको फोकस करना है, यू डोंट मिस द एंड, ठीक है। प्रॉपर वे में आपका क्या कहते हैं कि स्केच जहाँ पे आपकी लाइन एंड होनी है वहीं पे एंड होना चाहिए। ओके, ड्रॉ द लाइन फॉर्मली विद फ्री एंड इजी एंड आर्म मोशन। आपका जो लाइन है इट इज डिपेंड ऑन योर आर्म एंड रिस्ट मोशन, ठीक है ना। फ्रीली विदाउट मतलब आपका क्या कहते हैं कि ऐसा लोड नहीं देना है पेंसिल के ऊपर या आपके हैंड के ऊपर, ठीक है, फ्रीली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर क्या होता है कि देखिए जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ओके, अभी मैं ऐसा रुक रुक के ड्रॉ करता हूं, तो क्या हुआ अभी इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये प्रॉपर वे में है, आप देखिए लाइन डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि मैंने मोशन ब्रेक किया और यहाँ पे मैंने मोशन को ब्रेक नहीं किया। तो ये देखिए यहाँ से इन बिटवीन विदाउट एनी स्केल अ प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन
ये आपका प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये इस वे में आपको ने ड्रॉ किया है, ठीक है। जैसे ही आप रुकते हो तो आपका लाइन पे डिस्टरबेंस आता है, जिधर आप रुके ये देखिए, ओके। सो स्केचिंग लाइन का आपको जस्ट प्रैक्टिस करना, दिस इज इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द लाइन, इंक्लाइंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन में, एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इस डायरेक्शन देन डायरेक्शन चेंज, देन डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो आपका हैंड मोशन इज प्रॉपर इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम वन डायरेक्शन में बहुत इजी कर लेते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए ये दो पॉइंट पे ये बहुत इजी गया, देन देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आपका जो जैसा मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वैसा मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम मोशन इन अपवर्ड, सेम मोशन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर वे क्या आएगा फॉर प्रैक्टिसिंग व्हेन यू प्रैक्टिस दीज लाइंस कमांड फ्रॉम योर हैंड। नाउ यू प्रैक्टिस फॉर द आर्क, ठीक है। मेथड 1, स्टार्ट विद अ स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर प्रॉपर आपने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद आपने इन दो पॉइंट्स एक आर्क वे में मैच किया, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, स्टार्ट विद अ सेंटर, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि स्क्वायर आप ड्रॉ किया, देन आपने ये पॉइंट लिया और यहाँ पे सेंटर अज्यूम किया, ठीक है ना। तो जनरली क्या है, सेंटर प्लेस पे हम अपने रिस्ट रखते हैं, सेंटर प्लेस पे क्या रखेंगे, अपना रिस्ट रखेंगे और देन वी कैन यूज अवर फिंगर्स एज अ रेडियस, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रिस्ट रहेगा, देन वी कैन यूज अवर फिंगर एज अ रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ कर लिया, ये दिस इज द वे to draw the arc. Okay. So next thing, sketch a small circle. ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेम जैसे आर्क ड्रॉ करने के लिए वी यूज द स्क्वायर, सेम वी कैन यूज द स्क्वायर फॉर द सर्कल पर्पज टू, ठीक है। एक स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर की स्लाइड को हमने क्या कहते हैं, मिड में कन्वर्ट किया, 1, 2, 3, 4। फिर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक, यानी जो सर्कल ड्रॉ करना है हमको, वो हम 4 आर्क के कॉम्बिनेशन से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वी कैन मार्क द सर्कल विद द हेल्प ऑफ 4 आर्क, सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 आर्क से, जिसे क्या है कि 1/3 मीन्स, अगर हम इसको यहाँ पे मिलाते हैं तो ये देखिए इनका जो डायगोनल है वो हमने मिलाया। डायगोनल में फिर क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे मान लीजिए ये O है, दिस इज O एंड दिस इज A, ठीक है ना।
सॉरी, सो ए ओ को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और टू पार्ट इनसाइड सर्कल लेंगे, टू पार्ट इनसाइड सर्कल लेंगे और वन पार्ट आउटसाइड सर्कल रहेगा, ठीक है। सिमिलरली सेम यहाँ पे करेंगे, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स अभी हमको कितने कितना मिल गया, टोटल 8 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हमको क्या करना है कि 8 1 यहां से मिलाया, फिर ये यहां से मिलाया, क्योंकि दिस सर्कल इज बेटर देन दिस सर्कल, जो मैंने ये ड्रॉ किया 4 पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, ये 8 पॉइंट से ड्रॉ हुआ है। सो 8 पॉइंट सर्कल गिव बेटर कंपेरिजन टू 4 पॉइंट सर्कल, इसलिए 8 पॉइंट के साथ में जाएंगे और हमने बेटर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नाउ थर्ड सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। अभी सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो सेंटर पॉइंट से कैसे स्टार्ट करेंगे कि आपने ये ले लिया, ठीक है ना, फिर इसमें हम डिवाइड कर देंगे ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमको रेडियस लेनी है, ठीक है, उस रेडियस से हर लाइन पे कट कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी पॉइंट मिल गया, देन वी कैन इजिली ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ 8 पॉइंट। आपको इक्वल डिस्टेंस ही कट करना है, ओके। सो इन दिस टू मेथड वी कैन अप्लाई फॉर ड्राइंग अ स्मॉल सर्कल। नेक्स्ट थिंग स्केचिंग अ लार्ज सर्कल, ठीक है। अभी लार्ज सर्कल कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द फ्री हैंड, उसके लिए हम टू पेंसिल्स का यूज करेंगे, उसके लिए हम पेंसिल्स का यूज करेंगे। तो हम पहले ये क्रॉस बना लेंगे फॉर द सेंटर, तो एक पेंसिल हम क्या रहते हैं सेंटर पे रखेंगे और दूसरे सेंटर दूसरे जो पेंसिल रहेगा उसको एज अ पेंसिल यूज करेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्लेस द पेंसिल्स टिप एट द सेंटर एट अ पिवट एंड सेट द पेंसिल पॉइंट एट द रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, होल्ड द पेंसिल इन द पोजिशन एंड रोटेट द पेपर, ठीक है। आपको पेंसिल को रोटेट नहीं करना है, पेपर को रोटेट करना है। दिस इज द की पॉइंट टू कीप इन योर माइंड, व्हेन वी रिक्वायर टू ड्रॉ अ लार्ज सर्कल देन वी कैन यूज दिस मेथड वेयर वी होल्ड द टू पेंसिल, होल्ड द टू पेंसिल, वन पेंसिल इज फॉर द सेंटर एंड अदर पेंसिल इज फॉर द रेडियस, एंड आपको पेंसिल को रोटेट नहीं करना है, आपको अपनी हैंड की पोजीशन फिक्स रखनी है और पेपर को रोटेट करना है, देन वी कैन इजिली ड्रॉ द लार्ज सर्कल। ओके, नाउ द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, सो सी हियर पिक्टोरियल प्रोजेक्शन विच इज एनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है।
लाइन ऑफ स्टेट, लाइन ऑफ साइट मीन्स यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको देख रहे हैं, पैरेलल एंड नॉर्मल ऑफ पिक्चर प्लेन, ठीक है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है? पैरेलल एंड ऑब्लिक टू पिक्चर प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे है, ये हमने ड्रॉ किया और ये आपका एनोक्स है और ये ऑब्लिक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए, ये आपका कैसा ड्रॉ हुआ है और ये आपका कैसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये जो फेस हमको जनरेट हुआ है फ्रॉम द प्रोजेक्शन, ये ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट देन प्लेन, ठीक है। नाउ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन लाइन ऑफ साइट, ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कह रहे थे कि प्रोजेक्शन यहाँ पे बनना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। ए बी सी डी, ये प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, कि आपका ये जो प्लेन है, ये जितनी भी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, सी। तो ये फेस यहाँ पे ड्रॉ हुआ और इस जब एक फेस यहाँ पे ड्रॉ हो गया, देन फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस ए बी सी डी वी कैन ड्रॉ अनदर फेसेस। अगेन सी, ए बी सी डी टाइप ऑफ एनोक्सीमेट्रिक एक्सोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। तो एनोसीमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है उसके थ्री टाइप्स हो गए आपका, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक, ठीक है। दिस इज आइसोमेट्रिक, ऑल एंगल आर इक्वल, कितने का, 120 120 120, ठीक है, ये किस में होता है, आइसोमेट्रिक में होता है। देन डायमेट्रिक, इसमें क्या है, सी, टू एंगल आर इक्वल, ठीक है, इसमें टू एंगल्स इक्वल रहते हैं, मतलब ये आपके इक्वल है, ये आपका इक्वल है और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि टू एंगल हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो आपका ये कितने का हो जाएगा, का हो जाएगा 180 का होना चाहिए, 180 का नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं कि अगर हम शो करें, सी, दिस इज बी, तो ये एक आपका राइट एंगल देते हैं, मीन्स एट एंगल राइट एंगल होता है, तो 360 में से 90 आपका माइनस करिए, कितना हुआ, 270, तो 270 का हाफ ये सर्कल, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इसमें तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 135 and 135, okay, 135 here, this angle and this angle 135 and this is 90. Okay, this is the difference. यहाँ पे तीनों एंगल सेम है, यहाँ पे टू एंगल सेम है। Now ट्राइमेट्रिक, नाउ ट्राइमेट्रिक एंगल आर इक्वल, मतलब इसमें आप कोई भी एंगल इक्वल नहीं रहता है, ठीक है ना, आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल सेशन भी है, तो प्रैक्टिकल सेशन में वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। सो एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन। तो सभी लोग टाइम से ज्वाइन होइए, 12:45 पर ज्वाइन होइए, देन सो दैट वी कैन फिनिश दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके ठीक है, अभी आप लेक्चर लीव कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए बेटा। मैंने आपको हाँ व्हाट्सएप पर ठीक है ना।